आजादी के अमृत महोत्सव पर्व मनाने को लेकर हम करोड़ों खर्च कर यह साबित कर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन 75 वर्ष आजादी के पूरा होने के बाद भी हमारी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधाएं पूरी ना कर नेताओं को इसके लिए ना तो प्रशासन प्रयास कर रहा है ना जनप्रतिनिधि। ताजा मामला मजगमा पटकन टोला का है, जहां पंचायत विकास से कोसों दूर है। यहाँ की हालत तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, कई बार अपील की गई लेकिन पुलिया का निर्माण ना होने के चलते लोग बदहाल जीवन जी रहे हैं। और खासकर यह हाल सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मजगमा पटकन टोला का है, जहां आए दिन विकास की गाथाएं गाई जा रही हैं। जनपद सीईओ को फर्जी भुगतान करने के लिए विधायक के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, लेकिन उन्हीं के गांव की यह दुर्दशा देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यहां के विधायक क्षेत्र की समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं। बताया जाता है कि इस गांव के आधा सैकड़ा बच्चे दूसरे गाँव पढ़ने जाते हैं, जो इसी नाली से तैर कर विद्यालय पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो विधायक केपी त्रिपाठी से भी कई बार अपील की, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ। चर्चा यह है कि यहाँ के सरपंच, सेक्रेटरी और ठेकेदार रामू सिंह मजगमा के निवासी हैं और उक्त रोड की राशि निकल चुकी है, और यह राशि भी उसी तरह निकली है जिस तरह से विधायक ने जनपद सीईओ को धमकाते हुए भुगतान करने को कहा था। चर्चा है कि विधायक केपी त्रिपाठी के रामू सिंह खास हैं, जिसके चलते क्षेत्र की यह दुर्दशा है। आप भी सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है। बता भैया मेल कर रहे हैं गांव के, चड्डी हो जा चड्डा नहीं जा देगा उनी आओ आगे बस उतारनी है ना भावे ना भावे थोका 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 क्या हो गया है इन्हें? इन्हें कल रात से कुछ कीड़ा वगैरह काट लिया है, तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कीड़ा काटा है। बकायदा ऐसी वर्षा के हालत में हमेशा ये जो पुलिया का आप हालत देख रहे हैं, तो ये हर वर्षा के टाइम पर ऐसा ही ये बहाव रहता है। यहाँ से लोगों को आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इनकी हालत कल रात से गंभीर है। यहाँ पर सुबह जो पानी बरसा उसके कारण से ये पुलिया के ऊपर से पानी चलने लग गया है। यहाँ के कई बार सरपंच, सेक्रेटरी, जो भी यहाँ के मतलब लोग हैं, उनको कई बार इस चीज़ के बारे में बताया भी गया है, और इसके लिए कई यहाँ पर हादसाएँ इस वजह से हादसा भी बहुत सारे हो चुके हैं। पिछले वर्ष एक ऐसे हमारे यहाँ की बालिका को मतलब ना पहुँच पाने के चक्कर में हॉस्पिटल ना पहुँचाया गया उसको समय पर, तो उनके कारण उनकी मौत हो गई थी। ऐसी स्थिति वर्षा के टाइम में इस ग्राम पंचायत पटखन टोला में बनी ही रहती है, और इसके लिए ये हमारी भ्रष्टाचारी सरकार को मैं बहुत ज़्यादा वो करना चाहूँगा कि ये ऐसे काम जो है, तो ये भ्रष्टाचारी लोग इसके लिए पूर्ण करने के लिए आधा कार्य करवा कर छोड़ दिए हैं। ना पुलिया का निर्माण करवाया गया है, ना रोड का निर्माण करवाया गया है, और ऐसे ही आए हुए आपको पिछले वर्ष मैंने बताया कि एक कन्या का भी ऐसे ही दर्दनाक मौत हो गई थी, क्योंकि उसको समय पर इलाज ना मिलने के कारण। अब बताइए ऐसे इतने पानी में किसको, ये मरीज को हम कैसे ले जाकर उस पार रखें? यहाँ तो खुद का निकल पाना संभव नहीं लग रहा है, पर इनको इनकी हालत गंभीर है, ये तो इस पानी को छू भी नहीं पा रहे हैं। इनको कल ऐसे कीड़े ने काटा है कि अब उनका समझ में नहीं आ रहा है, घाव बना हुआ है और इनकी हालत ऐसे ही गंभीर बनी हुई है। बताइए ये सभी मतलब इस समस्या का मेन कारण यह है कि यहाँ ग्राम मझगवा में पठन टोला में ना पुलिया का निर्माण करवाया जाता है, ना रोड निर्माण करवाया जाता है। आए नेताओं के द्वारा आश्वासन झूठे दिए जाते हैं कि आपको बनवा कर दिया जाएगा, मिल जाएगा, जब वोट मिल जाता है लोगों को, तो बस यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। अच्छा, ये मझगवा कौन सी विधानसभा में है? सिमरिया विधानसभा में है। अच्छा, कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ के केपी त्रिपाठी जी हैं विधायक। अच्छा, उनसे बात नहीं किया गया एक बार भी? वो कई बार इस मुसीबत के बारे में बताया गया है, पर उन्हें ऐसे पिछले वर्ष उस घटना को आपको बताते जा रहा हूँ मैं, कि उस कन्या को हम नहीं बचा सके, मात्र इस वजह से कि हम उसको उस रास्ता नहीं अस्पताल तक नहीं पहुँचवा पाए, इस वजह से उसकी जान चली गई। अच्छा। बताइए इसलिए ऐसे आए दिन ऐसे हालात हो जाते हैं, लोगों को गंभीर इस मुसीबत से निकलना पड़ता है। ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं सुबह, ना कॉलेज छात्र जा पाते हैं, और तो और बताइए यहाँ से दफ्तर निकलने वाले लोग भी आज अपने घरों में अटके हुए हैं। ऐसे ही हालात बने रहते हैं वर्षा के टाइम में हमेशा। अच्छा जी, ये कोई नहीं।